नमस्कार मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम सूर्य के वृश्चिक लग्न के लिए सप्तम भाव से नवम भाव तक क्या फलित उत्पन्न होंगे ये समझने वाले हैं। इसके पीछे का तर्क, इसके पीछे का लॉजिक जानने वाले हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक तो जाना ही है, अब आगे जानते हैं। चलिए सप्तम भाव से शुरू करते हैं। अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठ गए तो वृश्चिक लग्न के लिए सप्तम भाव में दो आंकड़ा आता है। दो आंकड़ा यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। शुक्र के साथ सूर्य के शत्रुत्व के संबंध है, इस कारण सूर्य को राशि बल कम प्राप्त है यहां पे। अब भाव बल अगर देखे तो सूर्य सप्तम भाव में है, सप्तम भाव केंद्र भावों में से है, इस कारण सूर्य को भाव बल अच्छा प्राप्त है। अब राशि बल कम है, भाव बल अच्छा है, इस कारण सूर्य के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनके मामलों में मध्यम फलित प्राप्त होगा। हमने पिछले कार्यक्रमों में देखा ही है, अगर ग्रह का फलित हमें जानना है तो चार तरीके से जानना होगा और फिर उनका मिलाप करना होगा। यानी कौन से चार तरीके? एक तो कारकत्व, सूर्य के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है उनके मामलों में सूर्य क्या फलित देंगे। दूसरी भाव स्थिति, सूर्य जिस स्थान में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं उसके हिसाब से क्या फलित दे रहे, क्या फलित उत्पन्न कर रहे। भावेशत्व यानी जिस भाव के स्वामी है कुंडली में उस भाव के हिसाब से क्या फलित उत्पन्न कर रहे हैं। और चौथा जो है यह दृष्टि योग, सूर्य जिस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं उसके हिसाब से क्या फलित उत्पन्न कर रहे हैं। और बाद में इन सबको मिलाकर सटीक फल तक पहुंचना होता है। अब हम कारकत्व से देख रहे हैं। कारकत्व से अगर देखना है तो सूर्य का राशिबल और भाव बल जानना जरूरी है। अब सूर्य को राशिबल तो कम है यहां पे, भाव बल हमने देखा कि भाव बल अच्छा है, इस कारण सूर्य के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनके मामले में मध्यम फलित प्राप्त होगा। यानी कौन से मामले में? तो सूर्य आत्मा के कारक है, यानी अंदरूनी चैतन्य के कारक है। ये जो व्यक्ति है अंदरूनी चैतन्य के मामले में मध्यम फलित देगी, सूर्य इसको मध्यम फलित देगा। ये प्रयत्नवादी तो रहेगी लेकिन सामर्थ्य के मामले में थोड़ी कम रहेगी, ये बात पता चल रही है। सूर्य पिता के कारक है, पिता के मामले में, पिता के सौख्य के मामले में भी मध्यम फलित प्राप्त हो रहा है, तथा राजकृपा अधिकार सत्ता इनके कारक है सूर्य, तो इस मामले में भी मध्यम फलित प्राप्त हो रहा है। सूर्य अहंकार के कारक है, इसका अहंकार भी मध्यम रहेगा, यानी स्वाभिमान निम्न स्तर का रहेगा, यह बात पता चल रही है। सामर्थ्य के कारक है, सामर्थ्य भी थोड़ा कम रहेगा, ये भी बात है। तो ये तो जान लिया हमने कि सूर्य के कारकत्व के हिसाब से मध्यम फलित प्राप्त हो रहे हैं। अब भाव स्थिति से क्या बात पता चलती है? सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, सबसे पहले राशि देखना है तो यहां पे वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र, इस कारण सप्तम भाव का स्वामित्व शुक्र को प्राप्त है। और सूर्य आकर बैठ गए शुक्र के भाव में, यानी शुक्र के घर में। अब शत्रु के घर में सूर्य आकर बैठ गए, इस कारण शत्रु के घर को वो शुभ फलित नहीं प्रदान करेंगे। तो क्या फलित उत्पन्न होंगे? तो सूर्य यहां पर बैठे हैं, शुभ फलित नहीं दे रहे, यहां से वैवाहिक सौख्य देखा जाता है सप्तम भाव से। क्या बात पता चलती है? तो वैवाहिक सौख्य में कुछ तनाव रहेगा, यह बात यहां से पता चलती है, क्योंकि सूर्य बहुत शुभ फल नहीं दे रहे। यहां पे विच्छेद होगा या नहीं इसके लिए बाकी योग देखना जरूरी है, लेकिन अकेले सूर्य यहां पर वैवाहिक जीवन में तनाव दिखा रहे हैं। वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव कैसा रहेगा इस स्थान से देखते हैं। तो स्थान में शुक्र का आंकड़ा है, इस कारण शुक्र के गुण भी इसके वैवाहिक जोड़ीदार में रहेंगे, यानी आकर्षण तत्व रहेगा, सौंदर्य रहेगा। लेकिन सूर्य है, सूर्य की यहां पर जो उपस्थिति है इस कारण इसके वैवाहिक जोड़ीदार, इसका वैवाहिक जोड़ीदार जो है ये पतला होगा, ये बात पता चलती है। इसके गाले पर लालिमा होगी, ये बात पता चलती है। इसके वैवाहिक जोड़ीदार के स्वभाव में अहंकार रहेगा, क्योंकि सूर्य अहंकार के कारक है। हम बस जोड़ते चले जा रहे हैं, भाव से जो देखते हैं उसे, ग्रह से जो देखते हैं उसको जोड़ना है और फल का अनुमान लगाना है। यह तो जान लिया भाव स्थिति से। अब भावेशत्व से क्या पता चलता है? सूर्य को वृश्चिक लग्न के लिए दशम भाव का स्वामित्व प्राप्त है, यानी दशम भाव में इनकी स्वराशि आती है। दशम भाव के स्वामी होकर सूर्य सप्तम भाव में आ गए, क्या फलित उत्पन्न करेंगे? अब सप्तम भाव के लिए क्या फलित उत्पन्न करेंगे ये अगर जानना है तो सप्तम भाव को प्रथम भाव मानकर दशम भाव तक गिनना है। तो सप्तम भाव से यह चतुर्थ आता है, तो विवाह का सौख्य स्थान, उसका स्वामी सप्तम भाव में। चतुर्थ भाव से सौख्य देखते हैं तो वैवाहिक सौख्य अच्छा मिल रहा है भाव स्थिति से। यानी पीछे जो हमने देखा था थोड़ा तनाव तो रहेगा लेकिन वैवाहिक सौख्य तो अच्छा रहेगा, यह बात पता चल रही है। अब हमें बस जोड़ना है, प्रथम का सप्तम है, प्रथम के सप्तम में प्रथम भाव के दशम भाव का स्वामी आकर बैठ गया, तो दशम भाव से क्या देखता है? कर्म देखते हैं, और सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य। तो कर्म स्थान का स्वामी आकर बैठ गया वैवाहिक सौख्य के स्थान पर, क्या फलित पैदा होगा? दशम स्थान से क्या देखते हैं? कर्म देखते हैं। सप्तम स्थान से वैवाहिक जोड़ीदार देखते हैं, तो इसका जो वैवाहिक जोड़ीदार है इसकी मदद इसको अपने कर्मों में मिलेगी, यह बात पता चलती है। इसका वैवाहिक जोड़ीदार सामर्थ्यवान रहेगा, कर्तव्यगार रहेगा, यह बात यहां से पता चलती है।
क्योंकि दशम स्थान से कर्म और सप्तम स्थान से वैवाहिक जोड़ीदार, तो इसका वैवाहिक जोड़ीदार भी काम कर रहा होगा, यह बात पता चलती है। किस क्षेत्र में काम कर रहा होगा, तो सूर्य के क्षेत्र में, सूर्य से राजकृपा राजा अधिकार वगैरह देखा जाता है, तो ये इसका वैवाहिक जोड़ीदार गवर्नमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा होगा, ये बात पता चलती है। या फिर इसी के कर्म में ये मदद करेगा इसकी, ये बात पता चलती है, क्योंकि कर्म का स्वामी वैवाहिक स्थान पर आकर बैठ गया, कर्म में मदद मिलेगी। और क्या बातें पता चलती है, यहां से पिता का सौख्य देखते हैं, और यहां का स्वामी आकर बैठ गया केंद्र स्थान में सप्तम भाव में, पिता के स्थान से गिनना है। अब हमें इस भाव से क्या फलित प्राप्त होगा यह जानना है, तो यहां से अगर गिने तो यह दशम भाव आता है, यानी दशम भाव का दशम भाव, एक दो तीन ऐसे गिने तो। फिर दशम भाव से पिता का सौख्य देखते हैं, तो पिता के सौख्य का स्वामी पिता के सौख्य के स्थान पर चला गया, तो केंद्र में है इसके, इस कारण पिता का सौख्य अच्छा प्राप्त होगा, पिता से इसके संबंध अच्छे होंगे, ये बात पता चलती है। कर्म का स्वामी उसके कर्म स्थान में चला गया, यानी यहां से गिने तो दशम है, तो कर्म का स्वामी कर्म के स्थान में चला गया, भावात भावम, ये एक सूत्र है, तो इससे क्या फलित प्राप्त होगा, तो ये जो व्यक्ति है ये ऊंचे दर्जे का काम कर रही होगी, ये बात पता चलती है। सूर्य के संबंध में कर्म कर रही होगी, यानी सूर्य राजकृपा का कारक है, अधिकार का कारक है, यानी ये व्यक्ति जो है ये गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पर काम कर रही होगी, ये बात पता चलती है। बस अब तर्क देखिए, मैं जो बात समझा रहा हूं उसके पीछे क्या तर्क लगा रहा हूं उसको देखिए आप, और कई सारे फलित अपने आप ही जान जाओगे। अब ये तो ही भावेशत्व से बात, अब हम दृष्टि योग से देखेंगे क्या पता चलता है। सूर्य सप्तम भाव में बैठकर प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो प्रथम भाव में सबसे पहले देखना है राशि कौन सी है। सप्तम भाव में आठ आंकड़ा है, यानी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है, तो मंगल है। मंगल के सूर्य के साथ मित्रत्व के संबंध है। अब मंगल ये मित्र के घर को देख रहे हैं, यहां पर मंगल की राशि, इस कारण इस भाव का जो स्वामित्व है ये मंगल को प्राप्त है, यानी सूर्य जो देख रहे हैं ये मंगल के स्थान को, मंगल के घर को देख रहे हैं, इस कारण मंगल के घर के लिए, अपने मित्र के घर के लिए शुभ फलित उत्पन्न करेंगे, ये पहली बात। अब शुभ फलित उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन किस मामले में, तो प्रथम स्थान से जो बातें जानी जाती है उस मामले में, प्रथम स्थान से व्यक्तिमत्व देखते हैं, व्यक्ति का उसका स्वरूप देखते हैं, इन मामलों में ये शुभ फलित उत्पन्न करेंगे। तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे, ये जो व्यक्ति है इसके व्यक्तिमत्व में सूर्य के गुण पाए जाएंगे, यानी ये व्यक्ति सूर्य के गुण क्या है, तो सामर्थ्य है, प्रयत्न है, अहंकार है, तो ये जो व्यक्ति है प्रयत्नवादी रहेगी, सामर्थ्यशाली रहेगी, तथा थोड़ी स्वाभिमानी रहेगी। अहंकार की पॉजिटिव साइड यहाँ पे लेनी है, तो अहंकारी यानी स्वाभिमानी रहेगी। और क्या बात पता चलती है, तो सूर्य पिता के कारक है, पिता के कारक ग्रह खुद के स्वभाव के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण भी पिता के साथ इसका जो स्वभाव है ये मेल खाएगा, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, ये बात यहां से पता चलती है, पिछले एक योग की पुष्टि हो रही है यहाँ पे। और क्या बात पता चलती है, यहां से प्रथम भाव से व्यक्तिमत्व देखते हैं, और सूर्य अधिकार के कारक है, इस कारण इसका जो व्यक्तिमत्व है ये अधिकारी रहेगा, ये बात पता चलती है। इसका सामाजिक दर्जा भी सूर्य से देखते हैं, सूर्य सामाजिक दर्जा का भी कारक है, आरोग्य का भी कारक है, तो इसके व्यक्तिमत्व में आरोग्य होगा, यानी ये इसकी तबीयत ठीक रहेगी, बारंबार खराब नहीं होगी। तथा सूर्य जो है हमने अभी देखा ये व्यक्तित्व का कारक है, सूर्य अधिकार का कारक है, तो अधिकारी होगी। ये सारी बातें हैं, और कई सारी बातें आप पता कर सकते हैं। बस और क्या देखते हैं सूर्य से वो देखिए, और भाव से क्या जानते हैं वो जानिए। मैंने कई सारे वीडियोस इसके पहले भी करके रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अष्टम भाव में सूर्य क्या फलित पैदा करेंगे। वृश्चिक लग्न है, अष्टम भाव में तीन आंकड़ा आता है, तीन यानी बुध की राशि है, मिथुन राशि। अब बुध के साथ सूर्य के मध्यम संबंध है, यानी मित्रत्व का भी नहीं है और शत्रुत्व का भी नहीं है, समत्व का है, मध्यत्व का है, इस कारण ये यहां पर मध्यम फलित उत्पन्न करेंगे। तथा सूर्य को राशिबल यहां पर मध्यम प्राप्त है, राशिबल के हिसाब से अगर जाना जाए तो मध्यम राशिबल प्राप्त है। अब भाव बल की अगर बात करें तो यह मृत्यु स्थान है, सूर्य के जो गुण है ये प्रदर्शित करने के लिए सूर्य को यह स्थान अच्छा नहीं है। सूर्य राजकृपा के कारक है, प्रयत्न के, सामर्थ्यवाद के, अहंकार के कारक है, और ये आकर बैठ गए मृत्यु स्थान में, ये अपने गुणों का ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाते यहाँ पे, इस कारण भाव बल नहीं है, भाव बल नहीं है, राशिबल भी मध्यम ही है, इस कारण इनके कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनमें कम फलित प्राप्त होंगे। तो कौन सी बातें कारकत्व से, पिता का सौख्य देखा जाता है, तो पिता का सौख्य ये कम देंगे, ये बात पता चल रही है। राज कृपा देखी जाती है, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा देखा जाता है, इनके मामले में भी ये कमी ला देंगे। सामर्थ्य देखा जाता है, प्रयत्नवाद देखा जाता है सूर्य से, अहंकार देखा जाता है, सामाजिक दर्जा देखा जाता है, आरोग्य देखा जाता है, इन सभी मामलों में सूर्य कमी ला देंगे। ये तो जानी हमने कारकत्व से बात। अब भाव स्थिति से क्या पता चलता है, सूर्य अष्टम भाव में स्थित है तथा ये सम राशि के घर में बैठे हैं, यानी बुध के लिए वो ज्यादा शुभ फलित भी नहीं देंगे, ज्यादा बुरे फलित भी नहीं देंगे,
मध्यम फलित दे रहे हैं। अब किस मामले में, तो अष्टम स्थान के मामले में, यानी अष्टम स्थान से क्या देखा जाता है, अष्टम स्थान से मृत्यु देखी जाती है और सूर्य मध्यम फलित दे रहे, इस कारण इस व्यक्ति को मध्यायु की प्राप्ति होगी, ये इसको लंबी आयु नहीं प्राप्त होगी और ये अल्पायु भी नहीं होगा, मध्यायु की प्राप्ति होगी। अब और क्या बात पता चल रही है अष्टम स्थान से, और क्या देखते हैं, तो अष्टम स्थान से मृत्यु देखते हैं और सूर्य से पिता देखते हैं, यानी पिता का कारक है तो पिता की मृत्यु, यानी इस व्यक्ति को अपने पिता का सौख्य कम ही मिलेगा, ये बात यहां से पता चलती है। सूर्य से और क्या देखा जाता है, राजकृपा देखी जाती है, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा देखा जाता है और अष्टम स्थान से मृत्यु, तो इनमें भी एक कमी ला देंगे। सूर्य से, सूर्य प्रयत्नवादी ग्रह है और मृत्यु स्थान पर आकर बैठ गए, इस कारण ये व्यक्ति जो है ये प्रयत्नवादी नहीं रहेगी, हाथ में लिया हुआ काम छोड़ देगी, पूरा अगर नहीं होता है, कहीं थोड़ा भी अपयश आता है तो ये काम पूरा नहीं करेगी, ये बीच में छोड़ देगी, ये बात यहां से पता चलती है। और क्या बातें हैं, तो और बहुत सारी बातें हैं जो आप जान सकते हो। अहंकार के कारक है सूर्य, सामाजिक दर्जे के कारक है सूर्य, उनकी मृत्यु हो गई, यानी इसका जो अहंकार है ये निम्न, सामाजिक दर्जा कम रहेगा इस कारण इसका अहंकार भी कम रहेगा, इसको स्वाभिमान ज्यादा नहीं होगा, ये बात बता रहे हैं सूर्य। अब ये हुई भावस्थिति से बात, भाविष्यत्व से क्या पता चलता है, सूर्य दशम भाव के स्वामी है, दशम भाव के स्वामी होकर आ गए अष्टम भाव में, क्या बात पता चलती है, दशम भाव से कर्म देखा जाता है, अष्टम भाव से मृत्यु, कर्म की मृत्यु, ये अगर तर्क लगाए तो एक पूर्ण मृत्यु नहीं लेकिन कर्म के मामलों में ये जो सूर्य है ये बाधाएं पैदा करेंगी, कर्म ठीक से करने नहीं देंगे, ये बात पता चलती है। ये जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति दशम भाव का स्वामी सूर्य यहां पर अष्टम भाव में आ गया, अगर नौकरी कर रहा है तो बार बार नौकरियां चेंज करता रहता है, बदलता रहता है, किसी एक नौकरी पर टिकता नहीं है, ये इससे परेशान होता है, नौकरी में इसे तकलीफें भी बहुत होती है क्योंकि कर्म का मृत्यु देख रहा है, दिखा रहा है यहां पे, यानी कर्म से तकलीफ दिखा रहा है। और क्या बातें पता चलती है, दशम स्थान से पिता देखते हैं, इसका स्वामी आ गया मृत्यु के भाव में, पिता की मृत्यु, तो पीछे जो हमने कारकत्व के हिसाब से जाना था, भावस्थिति के हिसाब से जाना था, उसी योग की यहां पर पुष्टि हो रही है कि पिता के सौख्य में कमी ला देंगे ये। और क्या बात पता चल रही है, तो यहां से अगर गिने दशम भाव से, तो ये जो भाव है ये लाभ भाव आता है, एक दो तीन ऐसे गिने, दशम को प्रथम मानकर गिने तो अष्टम भाव लाभ में आता है, इस कारण कर्म से लाभ प्राप्त होगा, तो जो काम करेगा उससे इसको आय प्राप्त होगी, ये बात पता चल रही है, इसका काम फिजूल नहीं जाएगा। और क्या बातें पता चल रही है, तो पिता का दशम भाव जो है, दशम भाव से पिता देखते हैं और इसके भाव से अगर गिने तो ये लाभ भाव में आता है, तो पिता से लाभ प्राप्त होंगे, ये बात पता चल रही है, पिता से पैसे भी मिलेंगे, पिता का सौख्य हालांकि कम है लेकिन पिता से लाभ भी प्राप्त होंगे, ये बात पता चल रही है। और क्या बातें पता चल रही है, तो ये तो जाना हमने दशम भाव के स्वामी है तो क्या फलित दे सकते हैं इससे। अब यहां पर अगर एक भाव माने, अष्टम भाव को प्रथम भाव माने, तो ये तृतीय भाव आता है, यानी पराक्रम, इसका पराक्रम का स्वामी इस भाव में आ गया, यानी ये व्यक्ति प्रयत्नवाद में, इसकी जो हमने कारकत्व से जाना था कि ये प्रयत्नवादी नहीं रहेगी, लेकिन यहां से अगर अष्टम भाव को प्रथम माने तो दशम भाव तीसरा आता है, यानी पराक्रम भाव का स्वामी खुद के भाव में आने के कारण ये व्यक्ति प्रयत्नवादी रहेगी, उस योग का भंग हो रहा है। अब तर्क देखिए, अब यहां पर बैठे सूर्य, अष्टम भाव में बैठे सूर्य पूर्ण दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, क्या फलित उत्पन्न होगा, तर्क लगाए, तो द्वितीय भाव से जो देखते हैं उसे सूर्य से जोड़ना मात्र है, लेकिन ये शुभ फलित दे रहे हैं या अशुभ फलित, ये देखने के लिए राशि देखना जरूरी है, ये भाव में राशि कौन सी है, यहां पर 9 आंकड़ा है, यानी धनु राशि है, ये गुरु की राशि है, गुरु और सूर्य में मित्रत्व के संबंध है, इस कारण सूर्य मित्र के घर को देख रहे हैं, मित्र के घर को देख रहे हैं, इस कारण मित्र के घर को ये अच्छा ही फलित प्रदान करेंगे। अब ये तो जान लिया कि अच्छा फलित दे रहे किन मामलों में, तो द्वितीय भाव से धन देखा जाता है तो धन के मामले में अच्छा फलित उत्पन्न होगा, लेकिन सूर्य मृत्यु के भाव से देख रहे हैं, अब जोड़ी लगाए, मृत्यु के भाव से धन के भाव को देख रहे हैं तो धन की मृत्यु, ये बात भी सही है कि ये कमी ला देंगे कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति में, कम धन मिलेगा इसे, लेकिन अष्टम स्थान गुप्त धन का स्थान भी है और गुप्त धन के स्थान पर बैठकर ये धन स्थान को देख रहे हैं, यानी इस व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति होगी, गुप्त धन यानी लावारिस धन या जो काला धन आज के मामलों में काला धन है, रिश्वतखोरी से प्राप्त किया हुआ धन है, उसे गुप्त धन आज के काल में मानते हैं, तो ऐसे धन की इसको प्राप्ति होगी। और क्या बात पता चलती है, सूर्य पिता के कारक है, पिता के कारक ग्रह धन के स्थान पर देख रहे हैं, इस कारण पिता से धन की प्राप्ति होगी, हम जोड़ी लगा रहे हैं, पिता सूर्य से जो देखा जाता है और स्थान से जो देखा जाता है इसकी। सूर्य राजकृपा के कारक है,
गवर्नमेंट नौकरी के कारक है और ये देख रहे धन स्थान को, तो इस व्यक्ति को गवर्नमेंट से कुछ पैसा प्राप्त होगा, ये बात पता चल रही है। और क्या गवर्नमेंट नौकरी से नहीं होगी, क्योंकि कर्म के ये अष्टम में गए हैं, माफ करना, ये अष्टम स्थान में, कर्म के स्वामी अष्टम स्थान में गए हैं, इस कारण नौकरी के बारे में ये गवर्नमेंट नौकरी नहीं देंगे, कर्म का मृत्यु दिखा रहे। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से जो गवर्नमेंट अधिकारी है या गवर्नमेंट नौकरी में है, उनसे इसे लाभ प्राप्त होगा, ये बात पता चल रही है। और क्या बात पता चलती है, तो द्वितीय भाव से वाणी देखी जाती है, ऐसे स्थान को सूर्य देख रहे हैं, जोड़ना है वाणी को सूर्य के साथ, सूर्य से अहंकार देखते हैं, सूर्य से प्रयत्नवाद देखते हैं, सामर्थ्य देखते हैं, तो इसके वाणी में सामर्थ्य रहेगा, इसके वाणी में अहंकार रहेगा, ये बात पता चलती है। यहां से कौटुंबिक सौख्य देखते हैं, द्वितीय भाव से सूर्य की दृष्टि है लेकिन मृत्यु स्थान से है, तो कुटुंब की मृत्यु, तो ये बात नहीं है, कुटुंब में ये तनाव ला देंगे, कहीं ना कहीं तनाव जरूर होगा, क्योंकि ये मृत्यु स्थान से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं ये भी जरूरी होता है। कर्म स्थान के स्वामी मृत्यु स्थान में बैठकर कुटुंब स्थान को देख रहे हैं, क्या फलित पैदा होगा, कुटुंब में कहीं ना कहीं तनाव रहेगा लेकिन कुटुंब से इसके कर्म में मदद भी मिलेगी, ये बात पता चल रही है। कई सारी बातें हैं जानी जा सकती है, भाव से और क्या क्या देखा जाता है, ग्रह से और क्या क्या देखा जाता है, इनको जोड़ना मात्र है, समझना मात्र है। अब अगर सूर्य नवम भाव में बैठ जाए तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे, सबसे पहले कारकत्व से क्या फलित उत्पन्न होते हैं देखते हैं, सूर्य की राशि देखेंगे, चार आंकड़ा है यहाँ पे, यानी कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, चंद्र के साथ सूर्य के मित्रत्व के संबंध है, मित्र की राशि में होने के कारण सूर्य को राशि बल अच्छा प्राप्त है। अब भाव बल की अगर बात करें तो ये भाग्य स्थान है, नवम भाव भाग्य स्थान है, ये जो भाव है ये सूर्य के जो गुण है इनको प्रदर्शित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए ये पोषक भाव है, इस कारण इनको भाव बल अच्छा प्राप्त है। अब भाव बल है, राशि बल है, इस कारण सूर्य के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनके मामलों में अच्छा फलित प्राप्त होगा, यानी सूर्य के कारकत्व से क्या जाना जाता है, पिता का सौख्य, इस व्यक्ति को पिता का सौख्य अच्छा मिलेगा, राजकृपा देखी जाती है, इस व्यक्ति को राजकृपा से अच्छी प्राप्ति होगी, गवर्नमेंट नौकरी में अधिकार पद देखते हैं, अधिकार पद भी देखते हैं सूर्य से, इसको अधिकार पद की अच्छी प्राप्ति होगी, कारकत्व से जान रहे हैं। प्रयत्न का कारक है सूर्य, ये व्यक्ति प्रयत्नवादी रहेगा, हाथ मिलिया हुआ काम पूरा जरूर करेगा। सामर्थ्य का कारक है शुक्र, माफ कीजिएगा सूर्य, तो ये जो व्यक्ति है ये सामर्थ्यशाली रहेगा, समाज में इसका दर्जा अच्छा रहेगा, आरोग्यवान रहेगा, ये सारी बातें सूर्य के कारकत्व से देखी जाती है, इनके मामले में अप्रतिम फल प्राप्त होंगे। अब ये तो जाना कारकत्व से, अब स्थान स्थिति से, भाव स्थिति से क्या बात पता चलती है, सूर्य नवम भाव में बैठे हैं तथा किस राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में, यानी मित्र की राशि में बैठे हैं। ये जो घर है नवम भाव, नवम भाव में चंद्र की राशि होने के कारण चंद्र इस भाव के स्वामी है। अब चंद्र के घर में सूर्य आ गए, इस कारण ये यहां पर शुभ फलित प्रदान करेंगे। अब ये जान लिया शुभ फलित प्रदान कर रहे हैं किन मामलों में, तो नवम भाव से जो बातें जानी जाती है उस मामले में, नवम भाव से क्या देखा जाता है, तो भाग्य देखा जाता है, ये व्यक्ति भाग्यशाली रहेगी, ये व्यक्ति भाग्यशाली रहेगी, ये तो जान लिया, लेकिन किन मामलों में, तो सूर्य के मामलों में, यानी सूर्य से राजकृपा देखते हैं, राजकृपा के मामले में, गवर्नमेंट से मिलने वाले पैसों के मामले में, सामर्थ्य के मामले में, प्रयत्नवाद के मामले में, पिता के सौख्य के मामले में, सामाजिक दर्जे के मामले में, ये व्यक्ति भाग्यशाली रहेगी, ये बात पता चलती है। अब यहां से सामाजिक दर्जा भी देखा जाता है भाव से, और सूर्य से भी देखते हैं, सामाजिक दर्जा का कारक ग्रह वहां पे आ गया है, वहां पे यानी सामाजिक दर्जा के भाव पर आ गया है, इस कारण इस व्यक्ति का सामाजिक दर्जा ऊंचा रहेगा, ये बात पता चलती है। किसी अधिकार के पोस्ट पर ये व्यक्ति, किसी अधिकार के पद पर ये व्यक्ति काम कर रही होगी, ये बात यहां से पता चलती है। अब ये जाना हमने नवम भाव से, और एक बात है, ये जो भाव है नवम भाव, इससे धार्मिकता जानते हैं, सूर्य भी आध्यात्मिक ग्रह है, इसका ये व्यक्ति धार्मिक होगी, ये बात यहां पर पता चलती है। अब ये तो जाना हमने भाव स्थिति से, अब भावेशत्व से क्या पता चलेगा, सूर्य की जो राशि है वृश्चिक लग्न के लिए दशम भाव में आती है, इस कारण सूर्य को दशम स्थान की मालकियत प्राप्त है। अब दशम भाव के स्वामी आगे नवम भाव में क्या फलित उत्पन्न करेंगे, केंद्र के स्वामी कौन स्थान में, ये तो राजयोग है। अब दशम भाव से जो देखा जाता है उसे जोड़ दीजिए नवम भाव से, दशम भाव से क्या देखा जाता है, कलम देखा जाता है, और नवम भाव से भाग्य, तो इस व्यक्ति को अपने भाग्य से कर्म की प्राप्ति होगी, या व्यक्ति वाइस वर्सा है, ये व्यक्ति अपने कर्म से भाग्य को खींच कर लाएगा, ये बात पता चलती है। एक दूसरे से कैसे भी घुमा सकते हो। अब क्या बात पता चलती है, और क्या बात पता चलती है, तो पिता का सौख्य यहां से देखा जाता है, पिता के सौख्य का स्वामी भाग्य भाव में आ गया, तो इसके पिता के कारण इसका भाग्योदय होगा, ये भी बात है। और क्या बातें पता चलती है, तो इस भाव से अगर गिने, दशम भाव को प्रथम मानकर गिने, तो ये व्यय भाव आता है,
तो कर्म के व्यय में कर्म का स्वामी चला गया, कर्म का व्यय हो गया। तो ये बात नहीं, कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति को तकलीफें सहनी पड़ती है कर्म के मामले में, या पिता के सौख्य के मामले में थोड़ा दुख सहना पड़ता है। बाकी ये अशुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि प्रथम भाव का नवम है, ये कौन भाव है। और क्या बातें पता चलती है यहां से, कर्म देखते हैं वो आ गया भाग्य भाव में, सूर्य से गवर्नमेंट देखते हैं। तो ये देख ही चुके हैं, ये व्यक्ति गवर्नमेंट में अच्छे पोस्ट पर होगा। अब यहां पर बैठ के सूर्य तृतीय भाव को देख रहे हैं, तृतीय भाव में 10 आंकड़ा है, मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी है शनि, यानी ये शनि के भाव को देख रहे हैं। अब शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं, लेकिन सूर्य शनि को नहीं शत्रु मानते, इस कारण इस भाव के लिए अच्छे फलित देंगे। तो तृतीय भाव से जो जाना जाता है इसके लिए अच्छे फलित प्राप्त कराएंगे। तो तृतीय भाव से पराक्रम देखते हैं, कर्तृत्व देखते हैं, और सूर्य जैसे सामर्थ्यशाली ग्रह, प्रयत्नवादी ग्रह, उस स्थान को देख रहे हैं, इस कारण ये व्यक्ति पराक्रमी रहेगी, ये बात पता चल रही है। कहां पे? तो सूर्य के क्षेत्र में, यानी गवर्नमेंट के क्षेत्र में ये व्यक्ति कर्तृत्व करेगी, ये बात पता चल रही है। अब यहां पे तृतीय भाव से और क्या जाना जाता है, छोटे भाई बहनों का सौख्य जाना जाता है, और इस पर सूर्य की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि भाग्य स्थान से है, तो इसके छोटे भाई बहन भी भाग्यशाली रहेंगे, ये बात पता चलती है। सूर्य पिता के कारक है और छोटे भाई बहनों के सौख्य के स्थान को देख रहे हैं, तो इसके पिता के भी इसके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, ये बात पता चल रही है। अब छोटी यात्राएं तृतीय भाव से देखी जाती है, धार्मिक स्थान पर बैठकर, नवम स्थान से धार्मिकता देखी जाती है, उसके स्थान पर बैठकर धार्मिक ग्रह छोटी यात्राओं के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण यह व्यक्ति तीर्थ यात्राएं करेगा, ये बात पता चल रही है। व्यक्ति धार्मिक होगी, धर्म कर्म करने वाली होगी, मानने वाली होगी, तथा तीर्थ यात्राएं भी करेगी, उसके लिए यात्राएं भी करेगी, ये बात पता चलती है। यहां पर ये सूर्य प्रोफेसर भी करते हैं, गवर्नमेंट में प्रोफेसर भी करते हैं, क्योंकि ये पंचम का पंचम भाव है, ये और एक तर्क है, पंचम भाव से विद्या देखी जाती है, और यहां से अगर गिने तो ये पांचवा भाव आता है नवम भाव। तो विद्या का विद्या स्थान, ये उच्च शिक्षा का स्थान हुआ, उच्च शिक्षा के स्थान में सूर्य आकर बैठ गए हैं, वहां पे भाग्य उदय कर रहे करा रहे हैं, ये भाग्य स्थान है, यानी ये व्यक्ति उच्च शिक्षा में कार्यरत होगी गवर्नमेंट में, तो ये प्रोफेसर भी हो सकती है। कई सारे तर्क है, आप लगाकर सटीकता से फल जान सकते हैं। अब अगले कार्यक्रम में हम दशम भाव से लेकर द्वादश भाव तक जानेंगे कि सूर्य क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं, इसके पीछे तर्क क्या है। आप बस तर्क की ओर ध्यान दीजिए और कई सारी बातें आप जान जाओगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।